हाय मेरा यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं यहीं पे अच्छी हूँ। आप देख रहे हो कि प्लेट में क्या है, इतना स्टीम जा रहा है। यस, यही है कैबिज मंचूरियन। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। आज मेरा ब्लॉग यही मैं चालू कर रही हूँ, कैबिज मंचूरियन कैसे इजी मेथड में बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैंने कैबिज मंचूरियन बनाने के लिए सोचे हूँ। इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेंगे। एक कैबिज लिया है मैंने, अभी इसको ग्रेट कर देती हूँ। और मसाला में मैंने लिया है, देखिए गरम मसाला लिया है आधा स्पून, और थोड़ा मिर्चा पाउडर लिया है, वो आपका टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और एक स्पून मैंने चावल का आटा लिया है, दो स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर आटा लिया है, दो स्पून मैंने मैदा लिया है, और एक स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी मैंने कैबिज को अच्छी तरह ग्रेट करके इसका पानी निकाल लेती हूँ। दिन के लिए मैंने ग्रेट करके रखा है कैबिज को। अभी इसमें मैंने एक स्पून इतना नमक डाल के छोड़ देती हूँ 15 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें पानी बहुत रहता है। तो हमने थोड़ा नमक डाल के 15 मिनट्स तक छोड़ देगा ना, तब इसका पानी सब हमने स्क्वीज करके निकाल सकते हैं। इसलिए मैं अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट्स ढक के रख देती हूँ। देखिए कैबिज मैंने ग्रेट करके इसमें नमक डाल के 15 मिनट्स में साइड में रखा था ना, अभी इसका पानी देखिए पूरा छूट गया है। इसको अच्छी तरह स्क्वीज करके हमने पानी निकाल लेंगे। देखिए अदरवाइज हमारा बॉल नहीं होता है मंचूरियन का। देख लीजिए पूरा पानी हमने स्क्वीज कर देंगे। उसके बाद इसको एक बर्तन में डाल देंगे। देखिए ऐसे डाल के रख देंगे। देखिए इतना बड़ा कैबिज था, उसका पूरा पानी मैंने स्क्वीज करके निकाल लिया, तो इतना हो गया। देखिए कितना बड़ा कैबिज था, देखिए देखिए कितना बड़ा कैबिज था, लेकिन उसको सब ग्रेट करके उसका पानी निकाल लिया, तो देखिए कितना हो गया है ना, इतना ही हो गया है पानी सब निकालने के बाद। देखिए वही है निकाला हुआ पानी, इसको हमने सब्जी बनाने के वक्त डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं हमने। इसके लिए ये पानी फेंकिए मत, इसको निकाल के रख दीजिए, सब्जी बनाने के वक्त इसको यूज कर लीजिए। ये पूरा है कैबिज का पानी जूस। देखिए ग्रेट करके हुआ कैबिज का अंदर अभी मैंने दो स्पून मैदा डालती हूँ, दो स्पून कॉर्नफ्लोर, एक स्पून चावल का आटा, आधा स्पून गरम मसाला, आधा स्पून मिर्चा पाउडर, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, और टेस्ट का अनुसार नमक डाल रही हूँ, एक स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब अभी इसमें डाल के मिक्स कर दे। अभी इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको बॉल बना देंगे। इसमें थोड़ा प्याज भी डाल देती हूँ, एक प्याज काट के रखा था वो प्याज अभी इसमें डाल रही हूँ। मसाला डालने के बाद सब प्याज सब डालने के बाद देखिए अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने। उसके बाद इस तरह बॉल मैंने किया है, अभी इसको हमने फ्राई करेंगे। सब इसको बॉल बना देंगे पहले, उसके बाद सब डाल के फ्राई करेंगे। अभी देखिए मैंने सब बॉल करके रख दिया है, अभी इसको हमने एक एक करके फ्राई करके निकाल देंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्चा लिया है, प्याज निकाला है, और प्याज का व्हाइट कलर का अलग अलग रखा है, प्याज का आगे का हरा कलर मैंने अलग रखा है, और अदरक है, लहसुन है। ओके, इतना सब मैंने अभी फ्राई करने के लिए। देखिए मैंने चिक सीक्रेट वेज मंचूरियन मसाला डाल के बना रही हूँ, इसीलिए एक पैकेट का ये ले लिया है मैंने, और इसके लिए मैंने अभी करके निकाल देती हूँ, और इसमें पानी में डाल के अभी मिक्स करती हूँ। ठंडा पानी में डाल के अभी मैंने ठंडा पानी में मसाला मिक्स किया है, वेज मंचूरियन मसाला। इसे मैंने फ्राई करने के लिए तेल रखा है, और एक से मंचूरी का ग्रेवी बनाने के लिए रख दिया है। अभी इसमें मैंने एक स्पून मैंने तेल फ्राई के लिए ग्रेवी बनाने के लिए इसमें डाल दिया है, उसको गर्म होने दीजिए। अभी यहाँ पे मैंने इसको फ्राई करके निकाल देती हूँ। पहले गर्म हुआ क्या देख लेते हैं। तेल हो गया है, थोड़ा फ्लेम कम किया मैंने, अदरवाइज जल जाएगा। की ट्रिप में हमारा हो गया, देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है, और यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए रेडी कर रही हूँ।
तो दोनों साथों साथ हो जाएगा। देखिए तेल गरम हो गया है, अभी मैंने लहसुन काट के रखा था ना, इसमें डाल देती हूँ। अभी इसमें मैंने हरा मिर्चा डाल देती हूँ। अभी देखिए इसमें हरा मिर्चा डाल दिया है। अभी इसमें मैंने इसमें प्याज डाल देती हूँ, काट के रखा हुआ प्याज, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने रखा है, इसको फ्राई करने दीजिए अच्छी तरह। वाओ, हमारा बॉल तो बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। अभी इसमें मैंने पीछे प्याज का पत्ता का पीछे डंडा काट के रखा था वो मैं डाल देती हूँ। अभी मैंने काट के रखा था अदरक को इसमें डाल देती हूँ। अभी मैंने ठंडा पानी में मसाला मिक्स किया है, वेज मंचूरियन मसाला। देखिए मिक्स किया हुआ मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर, इसमें और भी थोड़ा पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी। देखिए हमारा ग्रेवी अभी रेडी हो गया है। अभी ये बॉल्स को निकाल के उसमें डाल देती हूँ। देखिए हमारा मंचूरियन का बॉल रेडी हो गया, कितना सुंदर गोल गोल हो गया। देखिए अभी इसको निकाल के मैंने ग्रेवी में डाल देती हूँ। बॉल को है ना, हमने ग्रेवी में डाल के बॉईल नहीं करना चाहिए, करेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने अभी ग्रेवी में डाल के तुरंत सर्व करूंगी। देखिए हमारा ग्रेवी रेडी है, अभी सब इसमें मैं बॉल्स डाल देती हूँ। देखिए अभी इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, इसको गर्म नहीं करना चाहिए, गर्म कर दिया तो ठंडा हो जाएगा तो टेस्ट नहीं रहता है बॉईल हो गए तो, इसीलिए इसको ऐसे मैंने मिक्स कर दिया है। अभी गर्म गर्म सबको हमने सर्व करेंगे। देखिए हमारा डिलीशियस टेस्टी मंचूरियन ग्रेवी रेडी हो गया है। मैंने कैसे बोला, ऐसे ही आपने घर पे बना के मुझे कमेंट्स कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।